करंटली मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ट्रेड कर रही हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस है 372 रुपीस की। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑल टाइम हाई की वैल्यूएशन की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर की ऑल टाइम हाई की प्राइस निकल कर आती है 378 रुपीस की। अब ये कंपनी के शेयर जो है मार्केट में लिस्ट होने के बाद से अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दे चुके हैं। अपने ऑल टाइम लो की वैल्यूएशन 202 पर कंपनी के शेयर पहुंचे थे और अब कंपनी के शेयर की प्राइस में 170 रुपीस की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ये भी इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर आप लोग इस कंपनी का पीई रेशियो देखेंगे तो कंपनी का पीई रेशियो 7600 से भी ज्यादा का है। अब इसका मतलब ये निकल कर आता है कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा कंपनी का पीई रेशियो होगा उतनी ही ज्यादा कंपनी की वैल्यूएशन होगी। और इसीलिए कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा होने की वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, और कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम पीरियड में किस तरीके से ग्रो करेगा और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके क्या आपको सच में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे बीइंग अ रिलायंस फाउंडेशन कंपनी। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर का करंट मार्केट कैप देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर का करंट मार्केट कैप है 236,400 करोड़ का। करंटली मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 635 करोड़ शेयर्स हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि इस कंपनी का पी रेशियो है 7500 के आसपास का। अब प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि पीबी रेशियो की बात की जाए तो इस कंपनी का पीबी रेशियो है 9 का। कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू पॉजिटिव में है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ का अमाउंट नेगेटिव में निकल कर आता है, मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं। अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 47% तक के स्टेक प्रमोटर्स के पास है। अगर आपको डिसाइड करना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है तो आप लोगों को इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को थरली समझना पड़ेगा और आने वाले फ्यूचर फॉरकास्ट के बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे कि करेंटली मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आने वाले टाइम पीरियड में माना जाता है कि कंपनी रिलायंस ग्रुप के असेट्स को मैनेज करने का काम भी करेगी। मार्केट में पेमेंट सॉल्यूशन हो, मार्केट में इंश्योरेंस के सॉल्यूशंस हो या मार्केट में कोई भी नई तरीके के लोन के ऑफर्स हो, हर एक सेगमेंट में इस कंपनी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि वन बाय वन करके ये कंपनी जो है वो इन सारे सेक्टर्स में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेगी। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई कंपनी नई नई मार्केट में आती है, अपनी पेरेंट कंपनी से अलग होती है, तो उस कंपनी के वैल्यूएशन में यानी कि उस कंपनी के पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो यही सेम चीज हम लोगों को जियो फाइनेंशियल्स के शेयर्स में देखने को मिली है। और अगर आप लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूएशन को और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस प्लान को मर्ज करके समझेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्लियर आइडिया लगेगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर आने वाले टाइम पीरियड में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर ज्यादा ग्रो करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप लोग आज से 3 साल पहले के टाइम पीरियड में देखेंगे तो टाटा मोटर्स के शेयर अराउंड 500 या 600 के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब इस कंपनी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो टाटा मोटर्स के शेयर करंटली मार्केट में 900 या 1000 के लेवल के बीच में ट्रेड करते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इतने ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे। अब स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में कौन सी कंपनी के शेयर ग्रो करेंगे और कौन सी कंपनी के शेयर में आपको उतने खास रिटर्न कमाने को नहीं मिलेंगे, ये तो स्टॉक मार्केट में वक्त ही बताता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस पोटेंशियल काफी ज्यादा होने की वजह से आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कंसिडरेशन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।